इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने कहा कि राहिल शरीफ की सऊदी इत्तेहाद में तैनाती से ईरान के तहफुजात दूर होंगे। उनकी तैनाती को फिरका वारियत से ना जोड़ा जाए। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ईरान की सलामती के खिलाफ हो। जनरल राहिल शरीफ का वहाँ पे जाना जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जनरल राहिल शरीफ कोई ईरान के मुतल्लिक गलत सोच रखेंगे। नासिर जंजुआ ने कहा कि कराची खतरनाक शहरों की फहरिस्त में 40 दर्जे बेहतर हुआ। कराची का अमन किसी एक शख्स की जिम्मे नहीं, पूरी कौम की सोच है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, रेंजर्स ने, पुलिस ने, लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे काम किया है, अब वो छठी पोजीशन से होता होता 40वें नंबर पे चला। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि सी पैक खित्ते की तरक्की की सोच है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम तबाह किया। इसे जान लेना चाहिए कि इसकी सलामती पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। सी पैक एक इकोनॉमिक सोच है। सी पैक जो है वो कोऑपरेटिव सोच है, वो कॉम्पिटेटिव नहीं है। और सी पैक हम अपने जो लोगों की जिंदगियां जो बदलना चाहते हैं, ये ऐसा मंसूबा है। नासिर जंजुआ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से सुपर पावर बना है।